सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा ना मिस कर पाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने व्हाट्सएप के लिए कुछ स्टेटस कैसे बना सकते हैं, वो भी कैसा स्टेटस बनाने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। उसने कहा, तुम प्यार में मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूं, तुम भी दे सकते हो क्या? पहले तो ये बात मेरी माँ को जाके बताओ। और ये रहा चाकू, हॉस्पिटल तुम्हें मैं ले जाऊंगा, पहले तुम नस काट के बताओ। यार, हम आज की इस वीडियो में कुछ इस टाइप का स्टेटस बनाने वाले हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं ना, यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और स्किप करके तो बिल्कुल ही मत देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और फिर आप यही बोलेंगे, यार बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर। खैर छोड़िए, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई यार, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला जो है हमारा कि इफेक्ट का जरूरत पड़ेगा, और सेकंड चीज़ जो है वो हमारा काइन मास्टर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यार, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो भाई चलिए, सबसे पहले हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके 16:9 का ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मीडिया का ऑप्शन देख रहे हैं, तो इस मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके अब हम जिस फोटो को बनाना चाहते हैं अपने स्टेटस में, उस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारा इस फोल्डर में है फोटो, तो यार ये फोटो रहा, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद में इसे हम क्रॉप कर लेंगे, यानी कि इस पर क्लिक करके, जैसा कि ये हमारा ऐसा फोटो है, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं क्रॉप का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इस पर क्लिक करने के बाद में इसको अपने साइज के हिसाब से यहाँ पर ऐसा सेट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ऐसा सेट कर देते हैं। तो यार ये जैसा कि देख सकते हैं, हमने ऐसा यहाँ पर सेट कर दिया है, अपने साइज के हिसाब से यहाँ सेट कर देंगे। सेट करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो इक्वल का ऑप्शन देख रहे हैं, इस इक्वल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। इक्वल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना, यहाँ से टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर से इंक्रीज कर देना पड़ेगा। तो चलिए हम इंक्रीज कर देते हैं। अब इंक्रीज करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मान लीजिए कि जिस यदि हम जिस पर यहाँ पर इस फोटो ये वीडियो में जो ऑडियो लगाना चाहते हैं, ऑडियो है, तो इसके ऑडियो पर क्लिक करके हम यहाँ से ऑडियो वो सेलेक्ट कर लेंगे। यदि मान लीजिए कि किसी वीडियो को हम ऑडियो लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके, क्लिक करने के बाद में उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा जिस वीडियो का ऑडियो हमें चाहते हैं। तो उस वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जैसा कि इस पर फिर से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को हम थोड़ा डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में अब ये जो हमारा ऑडियो था, इसको हम ड्रैग करके इस साइड कर देंगे। तो चलिए हम इस साइड कर देते हैं। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, हमने ड्रैग कर दिया। अब इसके बाद में क्या एडिटिंग करना है कि ये जो देख सकते हैं हमारा फोटो है, इस फोटो पर क्लिक करके अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है विगनेट का, तो यार इस विगनेट को ऑन कर देना है, जैसा कि एनेबल कर दिए। एनेबल करने के बाद में यहाँ पर जैसा कि कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, नेम ऐड करना चाहते हैं, तो नेम ऐड कर देंगे। तो यार नेम ऐड करने के लिए सिंपल सी बात है, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जो भी नेम लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं। तो उसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेम लिखने के बाद में ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ जो एक ऑप्शन दिख रहे हैं, इस एक ऑप्शन पर क्लिक करके अब यहाँ पर जो भी फॉन्ट लगाना है वो फॉन्ट लगा सकते हैं, यानी कि जो हमने अभी टेक्स्ट को लिखा है उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो यार क्लिक कर दिए हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा फॉन्ट जो है बोल्ड में हो गया है। अब इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर कहीं भी रख देंगे। रखने के बाद में इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर के ड्रैग करके इसको इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करने के बाद में अब हमें क्या करना है कि जैसा कि ये ऑडियो हमने जो लगाया है, अब जो बोला जाए यहाँ पर लिखा जाए ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो भाई चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ऑडियो यहाँ पर ऐड किया उसको ध्यान से सुन लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनने के बाद में उसमें जो बोला जा रहा है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर जो ऑडियो में बोला गया है उसको यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। तो चलिए टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद में ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से साइज सेट कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर ए के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से इसका हम फॉन्ट चेंज कर देंगे, जो भी चेंज करना चाहते हैं। चेंज करने के बाद में अब हमें जैसा कि देख सकते हैं ये चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जैसा कि देख सकते हैं व्हाइट वाला जो कलर का ऑप्शन है, इस कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर पीला वाला सेलेक्ट करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि लगे हमारा ये टेक्स्ट जो है यहाँ तक बोला गया है, कितना देर तक बोला गया है, जैसा कि लगे इतना देर तक बोला गया है, यहाँ से
यहाँ के पर ऑप्शन पर लाकर फिर इसे टेस्ट को सेलेक्ट करके फिर से इसे हमें कट कर देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अब हमें कट कर देना पड़ेगा। अब इसके बाद में अब हमें दूसरा टेक्स्ट ऐड कर देना पड़ेगा जो ऑडियो में बोला गया है। तो अब उसके बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को ऑप्शन पर क्लिक करके इन एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। फिर इसमें से कोई भी एनिमेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी एनिमेशन सेलेक्ट करना है हर टेक्स्ट में आप ये एनिमेशन का ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में अब हमें टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। अब यार उसके बाद में फिर से हमें ऑडियो को सुनना है, फिर से वही टेक्स्ट लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम फटाफट लिख देते हैं। भाई यार उसके बाद में जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो अपना टेक्स्ट लिखना था वो हमने लिख दिया। अब इसके बाद में मैंने यार एक चीज़ बताना भूल गया। तो यार जैसा कि अपने ऑडियो के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा कट कर लेंगे अपने फोटोज़ को कट करने के बाद में इफेक्ट लगाने के लिए, तो अपने ऑडियो के हिसाब से कट कर लेंगे। जैसा कि ये कट करने के लिए सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये फोटो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद में इस ट्रिम के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर स्प्लिट एड प्ले हेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। ये तीसरा वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ऐसा ऐसा दो तीन जगह कर देंगे अपने ऑडियो के हिसाब से ना। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद में अब हमें यहाँ से कुछ इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो जैसा कि ये देख सकते हैं हमारा कुछ इफेक्ट यहाँ पर है। यदि ये इफेक्ट आप में नहीं शो होता है तो यहाँ पर गेट मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यार यहाँ से हम उस इफेक्ट को लगा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना ये क्रोमैटिक जूम का इफेक्ट जो है इसे हम लगा देते हैं, जैसा कि कुछ इस टाइप में दिखने को मिले। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ऑडियो के हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टेटस अपना बना दिया। बनाने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि ये देखिए ऑडियो जो हमारा ये है, ये ऑडियो जैसा कि देख सकते हैं ऑडियो हमारा ये रहा, यहाँ पर खत्म हुआ है। तो इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में यहाँ पर टैप करना पड़ेगा फोटोज़ के ऑप्शन पर। यहाँ पर मतलब ये फोटोज़ के अपने ऑप्शन पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद में यहाँ ट्रिम के ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम राइट टू ऑफ प्ले प्ले हेड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड वाला। इसके बाद में इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद में इसको भी उसी साइड से कट कर देंगे, राइट साइड का पूरा कट कर देंगे, ताकि हमारा ऑडियो जो है और फोटो जो है और टेक्स्ट जो है एक ही साइज में आ जाए। तो भाई यार अब जैसा कि देख सकते हैं अब ये हमारा स्टेटस बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में अब हमें यहाँ पर इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो चलिए इफेक्ट लगाने के लिए लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर जो हमारा इफेक्ट हमने डाउनलोड करने के लिए बताया था उस इफेक्ट को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में हम उस इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए ये रहा हमारा इफेक्ट, इस इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ जैसा कि देख सकते हैं ये बीच वाला ऑप्शन देख सकते हैं, जो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पूरा फुल स्क्रीन पर कर देंगे। फिर इसके बाद में हमें इस इफेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में क्रोमा की का ऑप्शन देख रहे हैं, इस क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक करके अब हम इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद में अब हमारा ये जो देख सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन है इसको हम थोड़ा पूरा फुल कर देंगे। फुल करने के बाद में यहाँ टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जैसा कि देख सकते हैं ये अच्छा सा कितना अच्छा सा इफेक्ट बन गया है। उसके बाद में अब हमें इसे भी यहाँ से कट कर देना पड़ेगा यहाँ पर, जैसा कि ये सेलेक्ट करने के बाद में। अब इसके बाद में यहाँ पर ये सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रिम राइट वाला जो है कट कर देना पड़ेगा, इसको भी कट कर देना पड़ेगा। कट करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर लेना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट करने के बाद में ये जो हमारा स्टेटस रहेगा ये हमारे गैलरी में शो होने लगेगा। फिर उसके बाद में हम गैलरी में से किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।